रेलवे बोर्ड के आदेश अनुसार यात्री संख्या के आधार पर खानपान वेंडरों से लाइसेंस फीस लेने के आदेश की अवहेलना कर वाराणसी मंडल द्वारा 100% लाइसेंस शुल्क जमा कराने के आदेश को निरस्त करने के संबंध में आज खानपान वेंडरों का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, बाबा साहब वाहिनी राष्ट्रीय महासचिव सत्य प्रकाश सोनकर, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष कन्हैया सिंह और युवजन सभा प्रदेश सचिव वरुण सिंह के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक से उनके कार्यालय पर मिला। आज हम लोग डीआरएम साहब से मिलने आए थे, डीआरएम साहब बैठक में थे, इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में एडीआरएम साहब को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है वेंडरों की तरफ से। वेंडर जो खान पान के वेंडर हैं, जो रेलवे स्टेशनों पर जनता की सेवा सुविधा भी करते हैं, कोरोना काल में वैश्विक महामारी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक नियम जारी किया था कि यात्री संख्या के हिसाब से लाइसेंस शुल्क लिया जाए। क्योंकि वो नियम चला आ रहा था और एक डिवीजन ने नियम एक 27 तारीख से एक पत्र जारी किया जिसमें कि लाइसेंस 100% लेने का आदेश निर्गत किया गया, जो रेलवे बोर्ड के आदेश के अवहेलना है उसके खिलाफ है। और रेलवे बोर्ड के आदेश के खिलाफ जाने पर हम लोगों को महसूस हुआ कि चूँकि हम लोग विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, सामाजिक जीवन में रहते हैं, वेंडरों ने अपनी पीड़ा दर्द बताई, तो हम लोगों ने आकर के आज पत्रक देने काम किया है कि जनभावनाओं से उनको अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि हम पत्रावली की आपकी जांच करा के आवश्यक कार्रवाई करेंगे। समस्या ये है कि कोरोना में जो है इसी तरह दुकान जो है सब बंद होकर चल रही थी, फिर आर्डर हुआ कि 5% पर 3% पर 10% पर खोलिए आप लोग, हम लोग खोले, इसके बाद जो है चलता गया, अभी 10% पर 15% पर किराया नहीं निकल रहा है, न जनरल टिकट निकल रहा है, न पैसेंजर कोई गाड़ी है सब, और नहीं तो इधर और गाड़ी जो है बंद कर दिया गया, एक बार जो है चिट्ठी चला गया कि 100% पर किराया कहाँ से दे, सब लोग दुकान बंद करके पूरा ब्लैक डिवीजन के है, बलिया, छपरा, सिवान, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, मऊ, बनारसी है। अब आश्वासन तो हम तो नहीं थे लेकिन ये लोग गए थे। मंडल रेल प्रबंधक के अनुपस्थिति में अपर मंडल रेल प्रबंधक को प्रतिनिधि मंडल ने समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा, जब रेलवे बोर्ड का आदेश है कि यात्री संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस लेने की, तो आदेश के इतर नया आदेश 100% लाइसेंस फीस लेना जनहित में नहीं है। ये बनारस मंडल के कुछ वेंडरों ने आज मुझसे मुलाकात की है, जिसपे उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को मेरे संज्ञान में लाया है, इस पे हम लोग विचार करेंगे, और क्योंकि वेंडर भी हमारे रेल परिवार के पार्ट हैं तो सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार किया जाएगा और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।